नगर में छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ पर्व मनाने एवं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जगह जगह पर कृत्रिम पूजा घाट बनाए गए थे। शनिवार को सुबह उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया से अपने परिवार और देश के लिए आशीर्वाद मांगा गया। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को अन्य धर्मावलंबी भी मानते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। छठ के पर्व को महापर्व कहा जाता है। इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार शासन प्रशासन की ओर से तालाब एवं नदी के समीप परिसर में छठ पर्व मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। सप्तमी चौथा दिन व्रत पारण 21 को होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूर्य देव की पूजा करने से व्रत करने वालों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह हिंदू आस्था का बड़ा पर्व है। इस व्रत से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं। नहाए खाए से शुरू होने वाले छठ पर्व के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल से हो गई थी। इजाजत का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इस वक्त उत्तर भारतीय सभा ने, इसके पहले हमने एक हफ्ता पहले श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री जो उत्तर भारतीय सभा के विदर्भ अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत किया। बाकी जो लोग है बिहार साइड के, उत्तर प्रदेश साइड से, उनसे भी हमने डायलॉग किया तो उनका कहना था कि कोरोना के ध्यान में रखते हुए वो इस साल छठ पूजा का आयोजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन कोई अगर आए तो उनको, उन्हें पुलिस की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन मिले, इसलिए हमने यहाँ बंदोबस्त लगाया है। लेकिन अभी तक 5 बजते आ रहे हैं पर छठ पूजा के लिए यहाँ कोई भी आया नहीं है। मुझे लगता है कि जो छठ व्रती है उन्हें भी कोरोना का प्रादुर्भाव क्या है क्या नहीं है ये समझ गए हैं, इसलिए वो आए नहीं है। वो उनके तरफ से भी अपील किया गया है, वो समाज के तरफ से, उस परिवार की तरफ से उन्हीं लोगों ने अपील किया है कि इस वक्त छठ पूजा कोई तालाब पे, नदी पे ना करते हुए वो अपने घरों में, जैसे गणपति विसर्जन किया, दुर्गा विसर्जन किया, वैसे वो भी लोग इस 2020 का प्रादुर्भाव देखते हुए अपने अपने घरों में ही छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। मैं नागपुर शहर पुलिस दल की ओर से सभी कोरोना छठ व्रती को शुभकामनाएं देता हूँ, और जो बड़े पैमाने पे उन्होंने कार्यक्रम करना था वो ना करते हुए अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए भी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल जागरूक है, नहीं तो आपको भी पता है कि यहाँ हजारों की तादाद में आज भीड़ लगी रही थी, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि यहाँ कोई भी अम्बाझरी तालाब, ये नागपुर का एकदम छठ व्रती के लिए एकदम फेमस तालाब है, 2 दिन यहाँ कंटिन्यू पूरा ट्रैफिक जाम होता है, सब लोग आते हैं नागपुर शहर के, लेकिन इस साल ऐसा कहीं दिखने में नहीं आया।